आप यहाँ पर देख सकते हो, आप इन लाइटिंग ये देख सकते हो, आप यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पर आप देखो किस तरीके से आप ये हाफ क्वांटिटी ये अफगानी चिकन आ गया है आप लोगों को और ये ढेर सारे। हेलो फूडी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जोड़ी हो तो फूडी। तो गाइस आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली 25 के रेस्टोरेंट में जो कि शाहीन बाग में है, 40 फुटा रोड पर। यहाँ पर आप कई मरतबा आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत अलग अलग चीजें हमने आपको दिखाई, अगर आप हमें फॉलो करते हो तो। लेकिन आज हम एक यूनिक रेस्टोरेंट में आया है जिसका नाम है दिल्ली 25। क्योंकि एरिया का कोड ही दिल्ली 25 है, तो इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम भी उसी के ऊपर रख दिया है। वैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर शाहीन बाग में जितने भी रेस्टोरेंट है, जितने भी आउटलेट्स है ना, सारे दिल्ली 6 के फूड के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने अपना खाना सर्व करते हैं लोगों को यहाँ पर। लेकिन इनका जो रेस्टोरेंट है वो प्योर ओरिजिनल, जो अपना एक मुगलाई फ्लेवर इन्होंने अपना टच दिया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा दिल्ली 6 के खाने से थोड़ा अलग आपको यहाँ पर खाने में खाना मिलने वाला है। तो इसीलिए हम आपको यही चीज दिखाने के लिए आज आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बहुत सारे प्लेटर, इनके खुद के प्लेटर दिखाने वाले हैं। इनकी एक स्पेशल मंडी है चिकन मंडी, वो हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। बहुत सी नई चीजें आपको देखने मिलेगी। तो गाइज इनके जो कुछ कुछ स्पेशल आइटम्स है, बोटी कबाब के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारा बोटी कबाब एक बार जरूर ट्राई करिए। तो हमने ना इनका एक प्लेटर लगाने के लिए सोचा है जो कि जिसका नाम ही दिल्ली 25 प्लेटर है। तो सोचिए कितना यूनिक होने वाला है, वो प्लेटर भी लगवाएंगे और साथ में हम शाही मंदी भी इनकी ट्राई करेंगे जो चिकन मंदी होती है। तो गाइस चलिए बात करते हैं जो दिल्ली 25 के जो ओनर है उनसे बात करते हैं। हाय सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद अली है और ये हमने छोटा सा अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया है शाहीन बाग 40 फुटा पर, और जिसका नाम दिल्ली 25 है। ओके, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं दिल्ली 25 के नाम से। अच्छा, जिसके पीछे एक स्टोरी है कि लोगों ने दिल्ली 6 फेमस किया था अपने खाने के लिए, हम शाहीन बाग का ओरिजिनल टेस्ट लेके आप सब लोगों के बीच में आए। तो आपका बोलने का मतलब ये है जो ये आपका खुद का ब्रांड है शाहीन बाग में दिल्ली 25, मतलब ये कोई कॉपी नहीं है, जैसे दिल्ली 6 के बहुत सारे आउटलेट है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं है, आपका खुद का एक ब्रांड बना रहे हैं। हमारा खुद का एक ब्रांड है और दिल्ली 25 जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ का पिन कोड है 110025। अच्छा। तो उसी के ऊपर हमने दिल्ली 25 नाम रखा है अपना रेस्टोरेंट। तो दिल्ली 25 में अगर कोई आता है, मतलब सोच के कि कुछ नया है, कुछ यूनिक मिलेगा, तो क्या खाना पसंद करेगा यहाँ पे आके, या क्या फेमस? हमारे यहाँ सबसे फेमस है हमारा स्मोकी बोटी कबाब, जिसका यूएसपी है कि वो हमारे घर से बन के आता है, होममेड डिश है। और उसके बाद हमारा जो सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम है वो है शाही मंदी। तो आज हम लोग आपको शाही मंदी एंड जो हमने खुद यूनिक सा अपना एक प्लेटर बनाया है जिसका नाम है दिल्ली 25 प्लेटर, वो हम आपको प्लेटर का ही नाम आपने दिल्ली 25 रख दिया है, दिल्ली 25 स्पेशल प्लेटर। और इसको खाने के लिए आना कहाँ पड़ेगा आपको? शाहीन बाग 40 फुटा रोड जी अग्रवाल के जस्ट अपोजिट में हमारा रेस्टोरेंट। और दिल्ली 25 के टाइमिंग्स क्या होते हैं? दिल्ली 25 के टाइमिंग्स सुबह दोपहर में 1 बजे से लेके रात में 10:30 से लेके 11 बजे तक। अच्छा, लंच से लेके डिनर तक सारे टाइम सब कुछ है, सब कुछ है। अच्छा, और कौन से दिन पे खुले होते हो? सारे दिन खुले होते, सातों दिन खुले होते हो। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं दिल्ली 25 का थोड़ा लुक एंड फील किस तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप लाइव बारबेक्यू लग रहा है, अब इसकी प्रेपरेशन चल रही है, अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी अंदर से आपको दिखाते हैं यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो आप यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट, ये देख लीजिए यहाँ पर कबाब लगते हैं, सारे इनके हैंडमेड कबाब यहाँ पर आपको मिलेंगे, कुछ भी रेडीमेड नहीं बनता है यहाँ पर, ये देख लीजिए कुछ भी रेडीमेड नहीं लगता है यहाँ पर, सारे हैंडमेड कबाब है इनके। ये कौन सा कबाब है भैया? चिकन सीख कबाब यहाँ पर लग रहा है। तो आपको यहाँ पर शाहीन बाग में इतनी चहल पहल दिखेगी, यहाँ पर इतने सारे खाने के आउटलेट्स है ना कि आप देखते देखते थक जाओगे, इतना सारा खाना यहाँ पर आपको मिल जाएगा ना। उसी के बीच में हमारा ये रेस्टोरेंट जिसका नाम है दिल्ली 25। यहाँ पर आप देखो किस तरीके से यहाँ पर चिकन अपने जूसेस धीरे धीरे छोड़ रहा है। ये किस चीज की प्रिपरेशन हो रही है? ये तंदूरी चिकन है। तंदूरी चिकन देख लीजिए, यहाँ पे तंदूरी चिकन बन रहा है। तो
ये देख लीजिए, अभी हमारी मंदी की प्रेपरेशन हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो तंदूर वाले आइटम्स है, यहाँ पे क्या क्या जाता है भैया? इसमें छह आइटम होता है, बर्रा होता है, टंगरी कबाब होता है, अफगानी चिकन, चिकन टिक्का, भत्ते का मुर्गा, ढेर सारा मक्खन। अब ये सबसे पहले राइस आ गए मंदी के, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये हाफ क्वांटिटी हाफ पोर्शन है, ये देख लीजिए। अब इसके ऊपर सारे आइटम्स आ गए, बता भैया बता दीजिए आप क्या क्या रख रहे हो। ये टंगड़ी कबाब है, ये चिकन टिक्का है, हाँ ये अफगानी चिकन है, ये अफगानी चिकन आ गया यहाँ पर जी, ये बर्रा है, ये चिकन बर्रा, भट्टी का मुर्गा। अब इसमें और भी आइटम्स जाएंगी, चिकन सीख कबाब, ये देख लीजिए यहाँ पर आ गया चिकन सीख कबाब, और ये ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स ऊपर, ये देख लीजिए यहाँ पर क्रीम आ गई, ये देख लीजिए यहाँ पर मंदी रेडी हो गई है, चिकन मंदी। तो भैया हमारा ये जो दिल्ली 25 वाला जो प्लेटर था वो लग गया है? जी लग गया। बताइए हमारे क्या क्या है उसमें। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने मुर्ग टिक्का से। ओके, ये तंगड़ी कबाब, ये तंगड़ी कबाब, ये लबाबदार बटर चिकन, सीख कबाब और भट्टी का मुर्ग। अच्छा, तो इसमें टोटल कितने स्टार्टर आ जाते हैं? इसमें टोटल आपके 6 स्टार्टर आ जाते हैं। अच्छा, और 2 ग्रेवी आ जाते हैं। 2 ग्रेवी, टोटल 8 आइटम्स आते हैं इसमें। yes. और ब्रेड कौन से आते हैं इसके साथ में? इसके साथ में हम 2 बटर रोटी देते हैं। अच्छा, और 1 कोल्ड ड्रिंक देते हैं 500ml। 500ml की कोल्ड ड्रिंक भी देते हो? यस। और इसकी प्राइस कितनी होती है प्लेटर की? इसकी 649। और इसको दो जन खा सकते हैं आराम से? आराम से, आराम से। तो गाइस चलिए मैं ट्राई करने वाली हूँ सबसे पहले दिल्ली 25 का ये अपना खुद का प्लेटर, यानी दिल्ली 25 प्लेटर इसका नाम रखा गया है। इसमें आप देख सकते हो काफी सारी जो स्टार्टर आइटम्स है वो आपको देखने मिलेगी, और यहाँ पर जो 2 ग्रेवी आइटम्स आपको मिलने वाली है, साथ ही में ना आपको मिलेगी रोटी भी, और आपको मिलने वाली है एक कोक की बॉटल। तो इतनी सारी चीजें आपको एक ही प्लेटर में आने वाली। इसकी जो कॉस्टिंग है बहुत ही रीजनेबल भी रखी है, इतनी सारी वैरायटी आपको साथ में टेस्ट करने मिलने वाली है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी सी डील है। अभी बात करते हैं टेस्टिंग की। तो ये देख लीजिए इनका ये चिकन बोटी कबाब है, चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। वाह, तो इसको जो है ना थोड़ा क्रीमी बेस में इसे प्रिपेयर किया गया है, आप देख सकते हो, और बहुत चटपटा मजेदार है, स्टार्टर के लिए परफेक्ट है। चलिए अभी ट्राई करते हैं इनका चिकन टिक्का, इनकी सेकेंड आइटम है ये प्लेटर की। तो ये वाली चीज जो आपको ड्राई में मिल जाएगी, ये थोड़ी क्रीमी बेस थी, ग्रेवी बेस थी, ये ड्राई में मिल जाएगी, सेम चटपटा फ्लेवर है चिकन का, अपना एक तंदूर वाला जो फ्लेवर आता है वो आ रहा है इसमें। अब हम इनका ये इनकी चिकन तंगड़ी ट्राई करके देखते हैं, ये देख लीजिए एक पीस आने वाली आपकी चिकन तंगड़ी की। वाओ, चिकन तंगड़ी में जो चारकोली फ्लेवर आ रहा है, मतलब मजेदार है यार, ये बहुत बहुत सही लगा मुझे। एक्चुअली इतनी सारी वैरायटी ट्राई करने मिल रही है एक ही प्लेटर में, ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छी एक अच्छा कॉम्बो इन्होंने अपना रखा हुआ है, अच्छा प्लेटर में कह सकते हो। अभी आगे आप देख सकते हैं चिकन बर्रा इनका, ये भी ड्राई में आपको मिलेगा। तो देख लीजिए इनकी जो चिकन तंगड़ी है और इनकी जो चिकन बर्रा है, इनका एक अपना अलग सा खुद का अलग अलग मैरिनेशन है, जिसकी वजह से दोनों का ही टेस्ट अलग आ रहा है। और जितने भी मैंने अभी ये स्टार्टर आइटम अभी तक ट्राई किए, सारों का टेस्ट आपको एक से अलग दूसरा मिलने वाला है, मतलब कुछ भी सिमिलर टेस्ट नहीं मिलने वाला, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब इनका ये चिकन सीख ट्राई करते हैं, देख लीजिए मैंने सिर्फ पकड़ा और ये टूट गया, इतना सॉफ्ट है। इनका ये होममेड, मतलब हैंडमेड मैन्युफैक्चर्ड खुद का इन हाउस सीख है, ये देख सकते हो आप। इसे हम थोड़ा चटनी में डिप करते हैं, आ जाइए इसे ट्राई करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही सॉफ्ट है, और बहुत ही मतलब ज़्यादा ड्राई नहीं लग रहे, अपना एक अच्छा सा थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर भी आपको आएगा, ऐसे नहीं कि पूरा प्लेन ही लगेगा, बहुत मज़ेदार है ये वाला भी। तो चलिए इनके ग्रेवी आइटम्स को ट्राई करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इनका बटर चिकन है, तो बटर चिकन को ट्राई करके देखते हैं। मतलब आप अगर एक प्लेटर ले लोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ग्रेवी आइटम्स भी ट्राई करने मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पर तंदूर आइटम्स भी ट्राई करने मिलेगी, स्टार्टर्स भी मिल जाएंगे, ग्रेवी भी मिल जाएगी। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये वाला जो बटर चिकन आप देख रहे हो, नॉर्मली जो हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल बटर चिकन खाते हैं उससे बिल्कुल अलग है, मुगलाई टच इसमें दिया गया है, एंड इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है बाकी जो मार्केट में हमें बटर चिकन मिल जाते हैं उससे काफी अलग है।
तो ये भी अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उनका टेस्ट करते हैं। चिकन लबाबदार, चिकन लबाबदार ये देख लीजिए, चिकन प्रॉपरली कुक्ड है और ग्रेवी में अच्छे से डिप करते हैं। ग्रेवी में इनकी अच्छी दानेदार ग्रेवी है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। ये भी काफी टेस्टी है। तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके जो ग्रेवी आइटम्स होते हैं वो देसी घी में, थोड़ा देसी घी भी इसके अंदर जाता है, तो देसी घी में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होती है इसकी, उसकी वजह से भी इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आपको लगेगा। और अगर चिकन लबाबदार की भी बात करूँ मैं तो काफ़ी टेस्टी मुझे लगा। मेरे ख्याल से तो ये मेरे को एक स्पॉट ऑन डील मैं कह सकती हूँ, जिसमें आपको स्टार्टर आइटम्स मिल रही है, ग्रेवी आइटम्स मिल रही है, सीख कबाब मिल रहा है आपको, रोटी मिल रही है, एंड साथ में आपको यहाँ पर एक कोक भी मिलने वाली है। मतलब इतनी सारी चीज़ें एक ही प्लेटर में, बहुत ही बढ़िया डील है मेरे हिसाब से। तो आपको ज़रूर यहाँ पर आके इनका ये प्लेटर ट्राई करना चाहिए, काफ़ी टेस्टी है और वर्थ इट है। ये देख लीजिए तो चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ ये दिल्ली 25 की जो है शाही मंदी, मैं ट्राई करता हूँ अभी। ये देख लीजिए कितनी बेहतरीन है, ये हाफ क्वान्टिटी है और उठाने से मतलब काफ़ी हैवी भी लग रही है, और इसमें आइटम्स है कि कितने सारे, 6 तरीके के स्टार्टर है। तो सबसे पहले मैं इनका ये मुर्ग टिक्का ट्राई करके देखता हूँ कि ये फ्लेवर कैसा कर रहा है। अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें, और बटर और चाट मसाला वगैरह डाल के अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी अफगानी चिकन खाते हैं इनका। अफगानी चिकन को ना हर जगह क्रीम ओवर पावर कर देती है, लेकिन इन्होंने कम क्वांटिटी में क्रीम डाली है, और जो स्मोकी फ्लेवर है सारी चीज़ों में आ रहा है। तो दो ही चीज़ें मैंने ट्राई की है, ये देख लीजिए, ये इनकी चिकन तंगड़ी, इसको भी तंदूर किया है इन्होंने, ये देखिए क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने ये किया है, इसे तंदूर किया है, चटनी के साथ डिप करके इसको खाता है। मुझे ये दोनों देखने में ऐसा लगा कि सेम होगा टेस्ट दोनों का, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका अलग टेस्ट आ रहा है, चिकन तंगड़ी का अलग टेस्ट आ रहा है। अब देखते हैं इनका ये चिकन बर रहा है ना, ये कैसा टेस्ट कर रहा है। जितने भी स्टार्टर है ऐसा लग रहा है कि सब सेम टेस्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग है। ये भी चिकन बर रहा, और ये मीडियम स्पाइसी है, और ये बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने बोटी कबाब के लिए कि हमारा ये बेस्ट सेलर है और ये बेस्ट है। हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा इसको मतलब अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ध्यान देते हैं इस पर, तो इसको टेस्ट करते हैं बोटी कबाब को। ये सारे जो स्टार्टर खाए ना उनमें से मेरे को ये बेस्ट लगा। इसका जो मैरिनेशन है थोड़ा टैंगी भी है, स्पाइसी भी है, और अच्छे से बैलेंस है, फ्लेवर्स बैलेंस किया फ्लेवर्स को सारों को। बोटी कबाब अगर आप आते हो स्टार्टर में, अगर कुछ खाना चाहते हो तो इनका बोटी कबाब जरूर ऑर्डर करना। ये देख लीजिए इनकी चिकन सीख खुद से बनाई हुई है, ये भी भाई वाह। ज़्यादा करके मुझे मटन सीख पसंद आती है, लेकिन जो इनकी चिकन सीख भी है इन हाउस है, तो अच्छा टेस्ट कर रही है, अच्छा फ्लेवर कर रही है, खुद की बनाई हुई है, मज़ेदार। अब आइए बारी है इस मंदी की, ये देख लीजिए राइस में क्या क्या इन्होंने डाला हुआ है, ड्राई फ्रूट्स है, सैलेड से साइड में सजाया हुआ है इन्होंने। मैं इनकी बोटी कबाब के साथ ट्राई करके देखता हूँ। इनकी शाही मंदी, ये अरेबियन डिश है लेकिन इंडिया में बहुत फेमस हो चुकी है ये डिश। ये देखिए अच्छे से चिकन ले लिया, राइस ले लिए, ये ले लिए ड्राई फ्रूट्स। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं, मैं बिना रायते के इसको ट्राई कर रहा हूँ। पहले जैसे इसका नाम है ना शाही मंदी, वैसे इसका काम भी है, बहुत ही रिच लग रही है और फ्लेवर्स भी काफ़ी रिच है, जो राइस के जो फ्लेवर्स है, और इनके स्टार्टर्स ने तो धमाल कर दिया है। कहीं कहीं पे क्या होता है पूरी मुर्गी जो होती है वो ग्रिल करके देते हैं मंदी पे, इन्होंने एक अच्छा आइडिया लगाया कि बहुत सारे तरीके के स्टार्टर्स दे रहे हैं, तो ये मंडी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट है सच में, मज़ा आ गया खा के, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है आपको, और हाफ में आप दो तीन जन मिलके इसको आराम से खा सकते हो।